हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? महादेव की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। राज तो खुद तैयार हो जाता है, कनिष्का को रेडी करना होता है, वो खुद से नहीं हो पाती है। और ये कनिष्का की जो स्कर्ट है वो छोटी हो गई है तो वो दिक्कत करती है। इसको मैं आज लेके आऊँगी। और कनिष्का थोड़ी फूली हुई हैं, इनको नींद भी आ रही है क्योंकि मैं रात घर पर नहीं थी, मैं सुबह आई हूँ 3 बजे। मेरा एक डिलीवरी केस था तो मैं हॉस्पिटल में गई हुई थी, 3 बजे आई हूँ मैं घर पे। कनिष्का तब तक जग रही थी। बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं और वो मेरा वेट कर रही थी। कल मैं उसके बाल भी नहीं बांध पाई थी और आज मैं उसके बाल में तेल डाल रही हूँ। मैं ऐसे ही तेल डालती हूँ कनिष्का के बालों में, कटोरी से नहीं डालती मैं, उसकी सीसी से ही डाल देती हूँ। बहुत अच्छे से तेल लग जाता है। और मैं अब इसकी छोटी बना दूँगी, रेडी कर दूँगी बिल्कुल दोनों बच्चों को। स्कूल चले गए हैं और कमरे की हालत देखो कैसे डाल के गए हैं दोनों के दोनों, ये सारा समेटना है। और मैं 2 निरमा के पैकेट लेके आई हूँ, मशीन लगानी है अंदर वाला कपड़ा। देखो कैसी हालत में पड़ा है, ये देखो कैसे करके जाते हैं ये बच्चे, मेरे तय करे हुए कपड़े भी बिगाड़ के जाते हैं। जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, इतने देखो मेरे धुल गए और ये सूख भी गए हैं मशीन में। अब मैंने बाहर डालूंगी। सारा कमरा मैंने साफ कर दिया, आप देख सकते हैं पहले कैसा था और अब कैसा है। आसान नहीं है ये सब करना, बहुत टाइम लगता है इसमें। एक तो मैं रात की वैसे भी जगी हुई हूँ, ड्यूटी मेरी बहुत टफ हो जाती है। और बिल्कुल अब साफ हो चुका है कमरा मेरा। मेरी साथ वाली आई थी, वो मुझसे बातें कर रही हैं, किसी फॉर्म के बारे में बातें कर रही हैं वो मुझसे। नहीं गो, उन्हें भरने में क्या प्रॉब्लम थी? हमने कहा ऐसा तुम यहाँ रहती है ना से, हाँ तुम बुलाएंगे तो तुम आ जाओगी, हम इतना दूर रहते हैं। सही कहा। नहीं नहीं नहीं, वो तो ही कर दे। उन्होंने उनसे पूछा क्या किसके लिए बताया, जब बताओ तो मैंने कहा आशा का बताया है। उस पे आंगनवाड़ी आशा एनम सफाई कर्मचारी सबका लिखा हुआ था, कोई भी कर देता। हाँ, कहीं नहीं वाली बात। और तुम इतनी दूर से आती हो, फोन नंबर डाल देना अपना। शाम के 4:30 का टाइम हो रहा है, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया काम में। मैं गई थी थोड़ी देर फील्ड में, आजकल आईडी बन नहीं है। एक ऐप आया है हमारी ड्यूटी पर ई कवच करके, तो उसमें आईडी बन नहीं है। तो हर कोई इंसान अपनी आईडी जो है वो देना पसंद नहीं करते, जैसे हमें के आधार की ज़रूरत पड़ती है, एक्चुअल डेट की और जो उनका सही नाम है इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सारे लोग ट्रस्ट करते हैं हम पे, ऐसा नहीं है, मानते हैं, लेकिन आधार जब उनसे मांगते हैं तो थोड़ा सोचते हैं, फिर वो अपनी आईडी हमें देते हैं। तो आज मैं सबसे बोल के आई थी कि आधार की वो एक एक फोटो कॉपी हमें दें ताकि मैं उनकी आईडी संभाल के रखूं और अपने जो ऐप है उसमें सेव करूं। तो आपके पास आपके क्षेत्र में आशा लोग जाती होंगी, अगर वो आपसे आपका आधार नंबर मांग रही हैं, आपके सामने आईडी बना रही हैं, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, आधार दे दीजिए उन्हें चढ़ाने के लिए। क्योंकि आधार में जो ऐप है उसमें आधार नंबर मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर मांग रहे हैं और सही सही जो डेट है आपकी डेट ऑफ बर्थ वो मांग रहे हैं। तो आप सही काम करवाइए, सही सही उसमें नाम फीड करवाइए अपना, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। इस ऐप में सब कुछ ठीक ठाक ही सबमिट हो, आगे इससे आपको एक सुविधा मिल सकती है। एक नहीं अनेक सुविधाएं हैं जो सरकार आगे चलाएंगी, तो उसकी सुविधाएं आप लोगों को मिल सकती हैं। तो हेल्प कीजिए हम जैसे लोगों की, हम जाते हैं तो कुछ लोग नहीं देना पसंद करते हैं हमें और इग्नोर करते हैं इस चीज को। मैं 2-3 दिन से लगातार ही गई थी उनसे कहने के लिए कि अपना आधार दे दो, तो बहाने बनाते हैं कुछ लोग, तो बहाने बनाते हैं है नहीं कि रखा नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है, मैंने एक परिवार फीड किया था बिना आधार के, उनका आधार संख्या मेरे पास थी तो मैंने परिवार फीड किया था। तो उसमें जब मैंने आधार लेके उसका मिलान किया तो उसमें नाम में गड़बड़ थी, वो गलत फीड हो गया। फिर मैंने दोबारा से उसको ठीक किया,
तो इसलिए अपना नाम गलत ना हो, सब कुछ ठीक ठीक भरा जाए, तो प्लीज आप लोगों के पास जब भी हम जैसे लोग जाया करें तो हमारा सपोर्ट करा करें और ठीक ठाक से काम करवाया करें। अपने सामने भरवाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आशा लोग जो जाती हैं फील्ड में, आप लोगों ने जानते ही होंगे, अनजान को तो दे नहीं रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। इनके डैडी आ गए थे अभी, तो उन्हें मैंने भेज दिया है कन्नों की ड्रेस लेने के लिए। उसकी स्कर्ट मैंने दिखाई थी ना सुबह, उसकी स्कर्ट छोटी हो गई थी, कमर पे टाइट हो गई थी, बटन उसका लग नहीं रहा था, तो मैंने इनको भेज दिया है। ये गए हैं, तब तक मैं चाय बना के पीऊंगी। इन्हें दे दी थी बना के, मैं थोड़ा काम में लग गई थी तो मैं नहीं पी पाई, दोबारा से गर्म कर रही हूँ। और शाम को मैं बनाऊंगी सेम आलू। हम औरतों के लिए सब कुछ आसान नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ तो कुछ लोग अच्छा नहीं मानते इस चीज को कि औरतों के लिए ये सब करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, घर का काम, बाहर का काम। और मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो इसके पीछे भी सब सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरा पीछे पीछे हंसी बनाते हैं, देखा है मैंने। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी, और जो लोग हंसते हैं उन्हें कुछ कर दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मैं अपनी ड्यूटी से रिलेटेड जो भी जानकारियां देती हूँ उन लोगों तक पहुंच पाए। तो आज का ब्लॉग मैं ही समाप्त करती हूँ। बाय बाय।